एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। बीमार बेटी को लेकर माँ पड़ी रही रात भर। एक बार मानवता फिर हुई है शर्मसार। बीमार बेटी को लेकर माँ रात भर पड़ी रही, मगर किसी ने भी सामुदायिक केंद्र पहुँचाने की जहमत तक ना उठाई। मामला गोवर्धन के हृदय स्थल गोवर्धन प्लाजा का है, जो कि दान घाटी मंदिर से चंद कदम की दूरी पर स्थित है, जहाँ धर्मवती नामक युवती अपनी माँ रामा के साथ बहादुरपुर से गोवर्धन दर्शन परिक्रमा के लिए आई हुई थी। परिक्रमा में अचानक गर्मी के चलते हालत खराब हो गई, जिसकी स्थिति इस तरह बिगड़ी कि धर्मवती बेहोश हो गई। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर इसकी माँ रामा देवी घबरा गई तथा वहाँ मौजूद लोगों से सहायता की गुहार लगाने लगी, मगर सभी लोग उनकी इस स्थिति को देखकर रास्ता काटते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, किसी भी समाज सेवी ने इन्हें सामुदायिक केंद्र गोवर्धन पहुँचाने की जहमत तक नहीं उठाई। काफ़ी देर बीत जाने के बाद प्लाजा में उपस्थित महेश सैनी द्वारा 108 नंबर पर डायल कर एम्बुलेंस सेवा को तत्काल गोवर्धन प्लाजा बुलाया गया। दोनों माँ बेटियों को एम्बुलेंस की सहायता से गोवर्धन सामुदायिक केंद्र उपचार हेतु भेजा तथा कपड़े खराब हो जाने के कारण उन्हें कुछ कपड़े भी उपलब्ध कराए गए। सैनी जी, आज यहाँ पर एक माँ बेटी बाहर प्लाजा के ऊपर पड़ी हुई थी और उनकी हालत ज्यादा गंभीर नजर आ रही थी। लोग कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहे थे, मगर आपने 108 की हेल्प बुलाकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, क्या कुछ मामला था? ये एक लड़की थी, अभी होगी 20-25 साल की, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो टॉयलेट वगैरह भी कर गई थी, सारे कपड़े उसके गंदे थे। उसकी शायद माँ थी, बुजुर्ग थी, वो रो रही थी, उसको सहायता की आवश्यकता थी। मैंने 108 पर फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया, जाम में एम्बुलेंस फंसी रही, लेकिन एम्बुलेंस आई और उनको हॉस्पिटल जिला गोवर्धन हॉस्पिटल चिकित्सालय में भेज दिया और उनको कुछ कपड़े दे दिए, सहयोग किया। एक मानवता का बताया था जो मैंने पूरा किया, मेरा कर्तव्य था। ये कितनी देर तक पड़ी रही? लगभग आधे घंटे, एक घंटे के आसपास। बताया जा रहा है कि ये पूरी रात यहीं पड़ी रही है। पूरी रात की संभावना तो नहीं लगती, लेकिन हाँ, एक घंटे से मेरी जानकारी में थी।